सीता सोरेन जी को कहूंगा, आप अपना देखिए बीजेपी ने आपका नैतिक अस्तित्व खत्म कर दिया। सीता सोरेन जी ने उस परिवार के साथ धोखा दिया, गद्दारी की, जब उसके परिवार को उनकी आवश्यकता थी तो वो साथ नहीं दी। अब वो शिवभू सोरेन की बहू नहीं मानते है वो लोग, जिसमें गुरु शिवभू सोरेन जी घर से निकाल दिया। हेमंत जी जेल में थे, बताइए साहब, सारा देश, सारा हम लोग, सारे लोग लगे हेमंत जी को छुड़ाने के लिए, और अब भाजपा के साथ उनका खिलाफ किए। सोचिए बुरे समय में भाग जाएगा, और भी एंटी, जिस भाजपा ने हेमंत जी को जेल भेजने का काम किया, जिस भाजपा ने साफ साफ कहा कि गुरु जी के मुंह में काली पोंख दो, उस परिवार के साथ चले जाइएगा, क्या आदिवासी समाज माफ करेगा क्या? बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का बिजली माफ कर दिया हम लोगों ने, बाबूलाल मरांडी जी का 27 लाख रूपये का बिजली हम लोग माफ कर दिए, भानु जी का 25 लाख रूपये का माफ करवा दिए, तो अब क्या चाहिए? नवीन जायसवाल 22,36,000 रूपये का उसका माफ करवा दिए, संजय सेठ उनका माफ करवा दिए, और क्या चाहिए? हमारी सरकार सबका माफ कर रही है। देखिए ओबीएस हम लोग तो पहले मान के चल रहे थे कि सीता सोरेन जी को लड़ाएंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास उम्मीदवार नहीं है। सीता सोरेन जी को छुपा गया है वहां, वो खुद नहीं चाह रही थी वहां लड़े, जो जानकारी मुझे मिला है, लेकिन जबरन उनको थोप दिया गया। वो चाह रही थी कि उनकी बेटी को जो जामा सीट दे दिया जाए, लेकिन भाजपा ने फिर से वहां गद्दारी किया। सच्चाई यही है, सीता सोरेन जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है वो। अब लोकसभा में बहुत बुरी तरह से हारी है, और हराने वाला कौन? चंपई सोरेन जी। तो आप देख सकते हैं कि गुरु जी के परिवार के साथ जिसने गद्दारी किया वो सर्वाइव नहीं कर पाया। आज अगर दुर्गा सोरेन होते तो सीता सोरेन जी नहीं होते। सीता सोरेन जी ने उस परिवार के साथ धोखा दिया, गद्दारी की, जब उसके परिवार को उनकी आवश्यकता थी तो वो साथ नहीं दी, वो भाग गई, भाजपा के गोद में चली गई। एक अच्छी बात नहीं है। भारतीय नारी की संस्कार हमसे पूछे कोई, कल मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी पत्नी भाग जाएगी, उस परिवार में क्या बीतेगा मैं पूछना चाहता हूं। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, कल मान लीजिए जो नेता है उनके वो मर जाए, उनकी पत्नी क्या कांग्रेस में चली जाएगी, मैं ले लूंगा क्या? ऐसा हमारे संस्कार में नहीं है। नारियों का सम्मान करते हैं हम, भाभी है रिश्ता में रिस्पेक्ट करूंगा मैं, लेकिन सीता सोरेन जी को कहूंगा, आप अपना देखिए बीजेपी ने आपका नैतिक अस्तित्व खत्म कर दिया। जनता का दिन रात मैं काम करता हूं, 2 बजे रात को उठती है, 2 बजे दिन में उठती है, 1 घंटा काम करती है, एरिया में नहीं जाती है, फोन भी नहीं उठाती, ये सारा लोग देख चुका है। तो जामतरा की जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। जामतरा की जनता इरफान अंसारी पे दांव खेला है वहां, इरफान अंसारी ने हमने काम किया है, सबको लेके हम चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। आदिवासियों में सबसे प्यारा नेता इरफान अंसारी है, दलित का भी मैं प्यारे ना, ओबीसी ब्राह्मण अपर कास्ट का भी मैं प्यारा नेता हूं, तो कहीं कोई दांव नहीं है। इरफान अंसारी जो मेरा ऋषि था, निश्चित तौर पर दिखेगा, हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी का जो विश्वास है उस पर हम बहुत खराब करने का काम करेंगे। अब वो शिवभू सोरेन की बहू नहीं मानते है वो लोग, जिसमें गुरु शिवभू सोरेन जी घर से निकाल दिया, उनको हेमंत जी ने उनको निकाल दिया है, उस घर की बहू नहीं है। मैं ध्यान रहा ना, जब उनके अगर बहू होते तो आप उसी घर में सेवा करते, गुरु जी को आवश्यकता है सेवा की। रूपी सोरेन जी जो हमारी चाची है, उनको आवश्यकता थी वो सेवा करे, आप गद्दारी कर दिए, धोखा दे दिए। हेमंत जी जेल में थे, बताइए साहब, सारा देश, सारा हम लोग, सारे लोग लगे हेमंत जी को छुड़ाने के लिए, और आप भाजपा के साथ उनका खिलाफ किए। सोचिए क्या हेमंत सोरेन माफ करेंगे? क्या गुरु जी परिवार से माफ करेगा? मैं बधाई दूंगा कम से कम कल्पना सोरेन जी का, भाभी का, वो लगी और हेमंत जी को बाहर निकाला। ये नारी शक्ति होता है, ये नारियों का सम्मान होता है। बुरे समय में भाग जाएगा, और भी एंटी, जिस भाजपा ने हेमंत जी को जेल भेजने का काम किया, जिस भाजपा ने साफ साफ कहा कि गुरु जी के मुंह में काली पोंख दो, उस परिवार के साथ चले जाइएगा, क्या आदिवासी समाज माफ करेगा क्या? आपको कतई माफ नहीं कर सकता। बीजेपी में जितने आदिवासी लोग नेता लोग गए हैं, ये लोग सब लोग डपली बजाने वाले हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, कोई मास्क में पकड़ नहीं है। मैं जानता हूं इन लोगों को, ये लोग बिकाऊ माल है, टिकाऊ माल नहीं है। देखिए हम लोग को लगा था कि नए उम्मीदवार, नए चेहरा आएंगे भाजपा का, लेकिन वही घिसा पीटा चेहरा, इसमें कोई वजूद, कोई अस्तित्व तो नहीं है। अब हमें लगा था कि अर्जुन मुंडा जी भी आएंगे, भाग गए, बड़े नेता लोग आएंगे, सब भाग गए। अब जूनियर और बोरो खिलाड़ी पे दाव लगा दिया भाजपा ने,
हम लोग तो यार माइक सारे हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हैं, हम लोग दिन रात काम करने वाले हैं, हम लोग मैया सम्मान, अबुआ आवास, गरीब का सम्मान, सबको, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, सबका सम्मान, सबका बिजली माफ। इनफैक्ट हमारी सरकार ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का बिजली माफ कर दिया। हम लोगों ने बाबूलाल मरांडी जी का 27 लाख रूपये का बिजली हम लोग माफ कर दिए, भानु जी का 25 लाख रूपये का माफ करवा दिए। तो अब क्या चाहिए, नवीन जायसवाल 22,36,000 रूपये का उसका माफ करवा दिए, संजय सेठ उनका माफ करवा दिए, और क्या चाहिए, हमारी सरकार सबका माफ कर रही है। तो कम से कम भाजपा के पास बोली नहीं है जो हमसे टकरा जाए भाजपा। हम लोग सबका काम कर रहे हैं, इनफैक्ट बीजेपी के नेताओं का भी हम लोगों ने काम किया। कमला राहत नहीं है, 27 लाख, 25 लाख, 23 लाख, 26 लाख रूपये माफ कर देना, ये कलेजा यदि किसी में है, हेमंत सोरेन जी की सरकार में है, हमारी सरकार में है।